हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन ब्रेक थ्रू आज चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रेलवे विकास निगम राजीव सोनी ने किया। हालांकि इस रेलवे लाइन को अब लेह तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना में अब तक 7 सुरंगों का कार्य चल रहा था, जिसमें से 6 बनकर तैयार हो चुकी है और यह 6ठी सुरंग 4 नंबर थी जो कि सबसे लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 750 मीटर है। इसे बनाने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जिसमें सुरंग में आ रहा पानी एक मुख्य चुनौती थी, जबकि पहाड़ भी काफी सॉफ्ट और कमजोर है, यह भी चुनौतीपूर्ण कार्य था। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक मैक्स इंफ्रा कंपनी ने इन महत्वपूर्ण सुरंगों के निर्माण में पूरी सेफ्टी के साथ काम किया है और अब तक कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। यह सुरंग नंबर 4, जिसका आज ब्रेक थ्रू हुआ है, इसके निर्माण में लगभग 24 महीने का समय लगा। सबसे पहले इस सुरंग का कार्य शुरू किया गया था अक्टूबर 2019 में, इसका कार्य शुरू किया गया था और आज नवंबर 2021 में इसका कार्य पूर्ण हुआ है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सोनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज इस सुरंग का ब्रेक थ्रू उनके लिए एक माइलस्टोन है, क्योंकि अब तक बनाई गई सभी सुरंगों में इस सुरंग का निर्माण करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सुरंग में लगातार आ रहा पानी और सॉफ्ट कमजोर पहाड़ सुरंग का कार्य करना काफी कठिन था। उन्होंने कहा कि उनके इंजीनियर और वर्कर ने यह चुनौतीपूर्ण कार्य करके दिखाया है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र है। उन्होंने बताया कि हमारे डिजाइनर और कंसंट्रेटर ने जो सावधानियां बरतने के लिए बोला, उन्हें बराबर फॉलो करते हुए 15-15 मीटर के पैकेज में पाइप रोपिंग करते हुए उसका कार्य पूरा किया। अब सिर्फ एक ही टनल का कार्य बाकी बचा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ये जो भानुपल्ली बिलासपुर बेरी न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, आज की एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जो हमने अभी तक 7 टनल में शुरुआत की थी, उन 7 में से सबसे लंबी टनल यही है, लगभग 750 मीटर। और जैसे हर टनल में कोई ना कोई चैलेंज हमें मिला है, तो ये आज 7 में से 6ठी टनल है, 6th है, जिसमें आर पार का काम आज पूरा किया गया। और ये एक ऐसी टनल है जहाँ चैलेंजेस ज़्यादा मिले, पानी का बहाव भी मिला, और जो पहाड़ है या मिट्टी है या रॉक है, वो भी जियोटेक मतलब इंजीनियरिंग टर्म में अगर उसे कहा जाए तो काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रेटा माना जाता है। सॉफ्ट के साथ साथ वीक भी है, और पानी की प्रेजेंस से उसके और चैलेंज हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो टनलिंग में इंजीनियर इन्वॉल्व हैं, वर्कर इन्वॉल्व हैं, सब ने अपना पूरा मेहनत से काम करके आज इसको आर पार का अंजाम दिया। और ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है, इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले तक हम लोगों ने 6 टनल, अभी तक ये 6ठा टनल ये हम लोगों ने ब्रेक थ्रू करके अचीव किया है। ये जो 4 नंबर टनल था, इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले शुरू किया गया टनल था। इसे अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया गया था और आज 11 नवंबर को 2021 में इसको कंप्लीट किया गया है। इसको कंप्लीट करने में लगभग 24 महीने का समय लगा है। जो इस इंटायर प्रोजेक्ट पे मतलब जो 7 टनल का जो प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा ये चैलेंजिंग टनल इसलिए रहा क्योंकि इसमें वाटर सीपेज बहुत ज़्यादा था। लगभग 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से वाटर सीपेज चल रहा था, इस वजह इसमें काफ़ी कंट्रोल लेते हुए चलना पड़ा हमें। और 15-15 मीटर के जो डिज़ाइन, जो हमारे डिज़ाइनर और कंसल्टेंट ने जो प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला, जो सपोर्ट सिस्टम देने के लिए बताया हमें, उसको हम लोगों ने बराबर फॉलो करते हुए हर पंद्रह मीटर पे पूरा पाइप रोपिंग करते हुए हम लोगों 15 मीटर के पैचेज में पाइप रोपिंग करते हुए बढ़े हैं। तो इस 7 टनल के प्रोजेक्ट में से 6 टनल आज हमारा कंप्लीट हो गया। एक T7 टनल हमारा BBB प्रोजेक्ट पे बाकी रह गया है, जो कि 2 दिसंबर 2021 में लगभग वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल इस 7 टनल में
जो T4 का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा रॉक स्टार्टर वीक होने की वजह से काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ था। यही है सर। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।